शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विजय भैया, आपको दाल कैसी लगी? क्या पकड़े गए ना? अरे भाई, मैं तो सिर्फ सैलेड और सैंडविच खाऊंगा। चुप। परी। भाई मुझे तो नींद आ रही है। आप सो जाइए भाई। सॉरी, बहुत खड्डे हैं इस रास्ते पर। अरे अबे, गाड़ी कैसे चला रहे हो भाई? भैया क्या करूं, रोड्स ही ऐसी हैं। कम ऑन, डोंट ब्लेम द रोड्स। देखो भाऊजी सो नहीं पा रहे हैं, कितना अनकंफर्टेबल है। जस्ट स्टॉप द कार, आई विल ड्राइव इट। ठीक है, आइए। हाँ लेकिन मैं आगे बैठूंगा। हाँ, तुम आगे बैठो, मैं वैसे भी थक गया। सुख का सूरज चमका है, प्यार का रस बरसा है, नफरत के बादल छट रहे हैं, हो बिछड़ों का मिलन हुआ है, हर दिल ने दिल को छुआ है, बिखरे रिश्ते अब सिमट रहे हैं। परी, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो हमारी दुनिया कितनी बदल जाएगी ना। रात रात भर उठना जो पड़ेगा। उठूंगा, जागते रहूंगा। नैपी भी बदलनी पड़ेगी। वो भी बदलूंगा। लेकिन जब हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी और पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। मंजूर है। और उसके बाद हमारा बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको मैं दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में भेजूंगा हायर स्टडीज के लिए। और अगर लड़की हुई तो? लड़की हुई तो मैं उसे अपनी नजरों के सामने से हिलाऊंगा नहीं, वो बिल्कुल मेरे सामने रहेगी, मेरे साथ रहेगी। ये क्या बात है, लड़का हुआ तो हायर स्टडीज और लड़की हुई तो इतनी प्रोटेक्टिव, वो क्यों नहीं हायर स्टडीज के लिए जाएगी? कि मेरी होने वाली बेटी की अम्मा, उसे मैं उससे भी ज्यादा हायर स्टडीज के लिए भेजूंगा बस। लेकिन उसके प्रिंस चार्मिंग मैं डिसाइड करूंगा। तो ठीक है, अगर लड़का हुआ तो उसके लिए पत्नी मैं ढूंढूंगी। डिसाइड तुम करना, फाइनलाइज मैं करूंगा। ये क्या बात हुई, चित भी मेरा पट भी मेरा, लड़की भी आप ही के लिए, लड़का भी आप ही के लिए, मैं माँ उनकी कुछ नहीं लगती क्या? ये प्यार का बंधन है सात जन्मों का, हर जन्म रहेंगे हम तो तेरे पास, कुछ भी कहे ना हम पर दिल तो कहता है, तेरे नाम लिखी है मेरी हर एक सांस, पास से करीब और आ गए हो, कैसे कब पता ही ना चला। सौम्य परी बिना हद कर देते हैं। सौम्य अपना फोन क्यों नहीं ले गया? मौसम भी ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली। भाभी ये जो चेहरा होता है ना, ये मन का आईना होता है। मतलब ये कि जो इंसान के दिल में होता है ना वो उसके चेहरे पर दिख ही जाता है। साफ साफ कहो ना निर्मला, क्या कहना चाहती हो? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ भाभी कि आपके मन में परी के बच्चे के लिए जो प्यार है ना, वो परी के लिए भी। निर्मला बस बहुत हो गया, तुम्हारे ये जो चेहरा पढ़ने की कोशिश है ना, वो तो मेरे साथ तो मत ही किया करो।
एक और बात कान खोल कर सुन लो, मेरे मन में जो प्यार है वो सिर्फ मेरे सौम्य के बच्चे के लिए है, परी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये काम्या भाभी भी कैसी बातें कर रही, परी के मन को कितनी ठेस पहुंचेगी। हे भगवान, जैसे काम्या भाभी परी के बच्चे को कितना चाहती, भगवान करे परी को भी वो इतना चाहे, इतना चाहे, इतना चाहे कि क्या बताओ कि कितना चाहे। भैया। अरे रिया आओ बैठो। भैया वो मैं आपसे एक्चुअली कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ कहो, इसमें इतना सोचने की जरूरत क्या, come on tell me what is it, बोलो। भैया आज तक आपने मेरी हर बात पर विश्वास किया, हर बात मानी भी है ना? मानी है रे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, बोलो ना। तो फिर आज भी मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए, भैया खुशी भाभी सचमुच बदल चुकी है। That's it, Riya. इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। भैया लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी, भैया आप इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि खुशी भाभी सचमुच बदल चुकी है, और फिर ये नाराजगी ये गुस्सा। रिया प्लीज, अगर तुम मुझे ये कहोगी कि कल से सूरज पश्चिम से निकलेगा वो मैं मान सकता हूँ, पर अगर तुम मुझे ये कहोगी कि खुशी बदल गई है वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ ये बात और है कि वो बदलने का झूठा नाटक कर सकती है, बदल नहीं सकती नहीं। उसके चाल चलन से मैं अच्छी तरह वाकिफ। लेकिन भैया भैया रुकिए, मेरी बात तो सुनिए भैया। भैया आपकी आंखों पर गुस्से का पर्दा है, इसीलिए आप सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं। भैया आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल। जी दादी जी आप अपना ध्यान रखिएगा, बाय। दादी जी का फोन था, वो लोग सब गांव पहुंचने ही वाले हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम सारी चिंताएं छोड़ो, ये दूध पियो और आराम से सो जाओ। क्या किया उसने? तुम्हें पता है जब सौम्य मेरे पेट में था ना तो वो भी ऐसे ही करता था, पूरा दिन मुझे परेशान करता, फिर मैं तंग आकर उसे डांट देती, कहती कि जब तुम इस दुनिया में आओगे ना तो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे कान जोर से खींचेगी। लेकिन जब वो प्यारा सा सौम्य मेरी गोद में आया ना मैं सब कुछ भूल गई, मैंने उसे अपने गले से लगा लिया, कान खींचना तो दूर, मैंने आज तक उसे कभी डांटा भी नहीं। तुम देखना बहुत जल्द इसी एहसास का सुख तुम्हें भी मिलेगा। फिर से? ये तो बहुत शैतान है, ये तो बहुत जोरों से लात मार रहा है, तुम्हें लगता नहीं रही है? Oh my God! बिल्कुल सौम्य की तरह। दूध पी के सो जा। ये खूबसूरत पल परी इसमें कैद है। पर नए रास्तों में नए कदम उठने लगे, तुम देखना बहुत जल्द
मामा के दिल में तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल जगह होगी, देखना तुम। मैं बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतजार करूंगी सौम्या। अच्छा चलाया, गाड़ी अच्छी चलाई है। मालिक। अरे रामू कैसा है तू? ठीक हूँ जी। कितने सालों के बाद आप आए हैं? आप अंदर चलिए, मैं सामान लेके आता हूँ। पीछे रखा है जी। जी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। बाजी याद है विजय भाई साहब की बुक मुझे कभी नहीं देते थे जो मुझे कभी पढ़ने नहीं देते थे अरे बिल्कुल झांकना नहीं, इधर उधर पोजीशन लो पहले। अब खोल भी दीजिए ना इसकी आंखें। खोल दे, चलिए गिनती गिनिए। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ मेरा नया स्टडी टेबल। बाबूजी अम्मा जी थैंक यू, मुझे अपने बर्थडे पे बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। लेकिन इस गिफ्ट के बदले में तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। वादा? हाँ बेटा, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई करोगे और हर क्लास में फर्स्ट आओगे और हमारा सर सारे गांव में गर्व से ऊंचा करोगे। हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आऊंगा। खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटा, शाबाश। जीते रहो बेटे, जीते रहो। अरे देखो नंबर, देखो इसके। सारे गांव में मिठाई बंटवा दो, हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन किया है। क्यों नहीं क्यों नहीं, ये मेरा बेटा है, जो ठान लेता है वो करके रहता है। खुश रहे।
विजय भाई। अरे क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? मुझे डर लग रहा है। अभी उसमें डरने की क्या बात है? अच्छा ठीक है, यहाँ आओ और सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं भी यहीं पर सोऊंगा। नहीं, मैं विजय भैया के साथ सोऊंगा। नहीं, मैं यहीं सोऊंगा। चलो जगा दो मुझे। नहीं, तुम अपनी जगह पे जाके सो। नहीं, मैं सोऊंगा। नहीं, मैं सोऊंगा। अरे अरे, इस पर लड़ने की क्या बात है? हम तीनों भाई एक साथ सोएंगे। चलो बबलू यहाँ आओ। हाँ, और तुम यहाँ आ जाओ। बबलू बेटा, खाना खा ले। हाँ? मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? आप खिलाओगी तो ही खाऊंगा। ओफो, इतना बड़ा हो गया है, अम्मा के हाथ से खाना खाएगा। चल। खीर खाएगा? हाँ। अच्छी बात है, मैं तेरे लिए खीर अभी बना दी। ले बबलू, तेरी खीर तैयार। हाँ। देख गरम है बहुत। हाँ। ये भी मैं खिलाऊं? हाँ, आपको ही खिलाना पड़ेगा। माँ बहुत होती है। माँ विश्वास की जोत जली है, उम्मीद की किरण जगी है, मेहनत ने रंग है दिखाया हो। रिश्ते अब बदल रहे हैं, सबके दिल पिघल रहे हैं, यज्ञ अब पूरा होने आया हो। मंजिल हो रही है हासिल, दूर अब नहीं है साहिल, कश्ती लगने वाली है अब तो किनारों पे। इन बूढ़ी आंखों ने तीनों की नम आंखें भांप ली। वैसे तो बच्चों की आंखों में आंसू कोई बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो आंसू इनकी आंखों में थे उन्हें देखने के लिए हर बाप तरसता है।